डैशबोर्ड वैशबोर्ड भी खोल दिया है। एक दो तीन चार पांच स्कॉर्पियो का लाइन मेरा ऑटोमेटिक कार्ड है। जेनमेन डीआरएल डाला है, कॉम्बिनेशन स्विच के साथ वर्किंग। ये अपना लो बीम और हाई बीम करना है एक बार, तो फ्रंट पे जब कितना ब्राइट सेटअप आपको मिलने वाला है। ये पूरा ब्लैक फिनिश के अंदर आया था, रिप्लेसमेंट सीन के अंदर कन्वर्ट कर दिया। 17 का प्राइस 48,000 रुपए, 18 का प्राइस 55,000 रुपए। फोल्ड हो चुके हैं, एडजस्टिंग भी मिलने वाला है, प्लस अपना फोल्डिंग सीन भी इसके अंदर मिल जाएगा। स्ट्रेंथ लेवल आपके सामने भाई ना, ओएम फिटिंग से था, इधर अपग्रेड करा गया लुक एनहांस करने के लिए। स्पेस अपना डमी वाइपर रहने वाला, रिफ्लेक्टर लाइट मैट्रिक्स वाला, सॉफ्ट टच देखने को मिल जाएगा आपको। स्कॉर्पियो इसका प्लेट अपग्रेड करेगी, क्वालिटी चेक आपके सामने है। स्टेन अपना ऐसे आया था, हमने पियानो ब्लैक स्विच डाल दिया। आज के वीडियो में शोकेस करने वाले भाई आपको स्कॉर्पियो एन का एक अच्छा खासा लाइनअप, साथ में गितेश भाई, क्या हाल चाल? बढ़िया भाई। कौन सा वेरिएंट है भाई? जेड सिक्स वेरिएंट है, ठीक है। जेड टू है, जेड सिक्स है, दो अपने पास जेड सिक्स है और एक जेड टू है, ठीक है। एक बीच में 700 भी खड़ी हुई है। अच्छा, सेवन डबल महिंद्रा का लाइनअप आपको हमेशा मिल जाता भाई यहाँ पर, जब भी आप आओगे। ऐसे आप लोगों को प्यार चाहिए हमारे तो, ठीक है। फ्रंट से बात करें भाई, क्या कुछ चेंजेस कर चुके हैं इसके अंदर? हेडलाइट के अंदर एलईडी अपना चेंज हो गया, 180 वोल्ट में रहने वाला, हाई बीम लो बीम दोनों के अंदर, ठीक है। जेन्युइन फोर्थ लाइट कॉम्बिनेशन स्विच के साथ वर्किंग है, ठीक है। और ओलोए कंपनी से लग के आया, इसमें कंपनी से लगे सीट तोड़ा दाम चालू है, सीट कवर लग रहा है भाई, के साथ रहने वाला सीट कवर अपना। तो टॉप मॉडल वाला डिजाइन पूरा अपग्रेड कर रहे हैं और फिटमेंट कॉर्नर टू कॉर्नर क्लियर। ये अपना टॉप मॉडल वाला डिजाइन रहने वाला, ठीक है। क्वालिटी कौन सी है भाई ये वाली? भाई सोफा लेमिनेशन है, 5 साल की गारंटी आती है, ठीक है। तो अच्छी खासी क्वालिटी में इसमें स्टीयरिंग अपना रैप हो दिया फुल ब्लैक ओएम फिनिशिंग के साथ, ओके। तो फिटमेंट अच्छी खासी है, बाकी इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं है, सीट कवर का काम है ना अपना। हाँ, ग्रैब हैंडल इनर हैंडल ये हमने चेंज किया है, ठीक है। अच्छा, ग्रैब हैंडल्स भी कर चुके हैं तो वो भी दिखाया तो भाई एक बार। ये अपना स्विच प्लेट हो दिया और ये इनर हैंडल हमने ब्लैक डाला इसके अंदर, ठीक है। तो ये अपना अपग्रेड करा गया ग्लॉसी फिनिश में, ये भी ग्लॉसी फिनिश के अंदर। ये टॉप मॉडल जेन्युइन रहने वाला है, ठीक है। स्कॉर्पियो की स्कफ प्लेट भी अपग्रेड करी गई है, लाइटिंग वाली जो फ्रंट एंड्स पे आपको मिल जाती है देखने के लिए। बाकी जो आज आपकी मेन गाड़ी जो रहने वाली है, जेट टू रहने वाली, इसके अंदर सारा ही दाम है। क्या कर रहे भाई इसके अंदर? इसके अंदर जेन्युइन डीआरएल अपना प्लग एंड प्ले सिस्टम रहने वाला, ये अपना हार्नेस हो गया पूरा, ठीक है। प्लग एंड प्ले हार्नेस पूरी अपग्रेड करी जा रही है, फ्रंट में ग्रिल क्रोम अपग्रेड करे। हाँ, फ्रंट में ग्रिल क्रोम हो गया, हेडलाइट के अंदर एलईडी 150 वोल्ट वाला अपना, हाई बीम लो बीम दोनों के अंदर, ठीक है। बाकी टॉप मॉडल का भी ऑप्शन रहता है, बिल्कुल भाई, ठीक है। साइड फेस में भाई, साइड फेस में अपना कंपनी सोलो लगते आया, किसी भाई तो चाहिए मिल जाएगा। ऑटो फोल्ड मिरर हो रहा है, ऑटो फोल्डिंग मिरर अपग्रेड कर रहे हैं। विंडो क्रोम पेंट, हैंडल बॉडी मैच हो रहा अपना नेपोलियन ब्लैक, ठीक है। नो गार्निश अपग्रेड करी गई है, ये अपना स्क्रू सिस्टम रहने वाला पूरा, ठीक है। स्क्रू सिस्टम अपग्रेड करा जा रहा है अंदर में भाई, पूरा सिस्टम विस्टम खोल रखा है। क्या कर रहे हैं इसके अंदर? अंदर अपना सॉफ्ट टच हो रहा है, ठीक है। सॉफ्ट टच, हाँ। कैमरा अपग्रेड कर रहे हैं, स्टूडियो फ्रेम और सेंटर कंसोल पियानो हो रहा, ठीक है। साथ में ग्रैब हैंडल इनर हैंडल सारा रहने वाला, सॉफ्ट टच रहने वाला, सीट कवर, सीट तो रहने वाला है। टॉप मॉडल, टॉप मॉडल वाला कर रहे हैं। हाँ, पहले तो हमारा वो था ऑफ व्हाइट, व्हाइट करने था बिल्कुल, लेकिन बाद में चेंज हो गया, कस्टमर बोला व्हाइट धंधा ज्यादा होता, मैं मेंटेन नहीं रख पाऊंगा, इसलिए उन्होंने बाकी ऑप्शंस का भी रहता है भाई। बैक एंड में स्पॉइलर वगैरह लगा रहे हैं? हाँ, स्पॉइलर लगा रहे हैं, वाइपर हो दिया अपना, ठीक है। डमी वाइपर, हैंडल्स पेंट, कैमरा अपग्रेड कर चुके हैं Z2 मॉडल के अंदर। अंदर से दिखा दूं भाई, पूरा खुला हुआ है अभी के लिए। डैम्पिंग वैम्पिंग नहीं कर रहे इसके अंदर? नहीं, डैम्पिंग नहीं कर रहे, बाकी लास्ट में सारा काम हो जाता फिर दिखाते क्या क्या हो रहा है फाइनल, ठीक है। एक भाई वो कौन सी गाड़ी है? वो Z6 मॉडल अपना, ठीक है। उसके अंदर क्या कर रहे हैं भाई? उसके अंदर भी सारा काम है, ऑटो फोल्ड मिरर है अपना, फोर्थ लाइट, आओ दिखाते दारी में, ठीक है भाई। कुछ चेकआउट कराए थे, इसके अंदर सीट और फिटमेंट का प्रोसीजर पूरा चल रहा है, फिटिंग आप दिखा देंगे अभी आपको, ठीक है। अंदर में भाई काम नीचे अपना सबसे, नीचे अपना फ्लोरिंग हो दिया जो H2H फिटिंग के साथ आता है, इसके ऊपर कोई सा भी मैट डाल लो आप, ठीक है। साथ में सीट डोर फिटिंग है इसके अंदर, 0-0 फिटिंग वाला टॉप मॉडल रहने वाला, स्टीयरिंग रैप हो रहा है, ठीक है। तो ये इसके अंदर वर्किंग, प्लस फ्रंट में फॉग लाइट, वॉगलाइट लगा रहेंगे ना? हाँ, ऑटो फोल्ड मिरर है, फोर्थ लाइट है, ठीक है। अलॉय व्हील्स का ऑप्शन रहता है 17-18 दोनों का, है ना? बिल्कुल भाई, ठीक है। फ्रंट में ये भी अपना सेम प्लग एंड प्ले रहने वाला सारा सिस्टम, हेडलाइट के अंदर एलईडी हो दिया 165 वोल्ट था, ठीक है। तो यहाँ पे पूरी वर्किंग मैंने आपको दिखा दी है, जो उन से वेरिएंट यहाँ पर आ रखे थे। अब भाई बात कर लेंगे, ये सारा काम करना तो आना कहाँ पर है? ऑटोमैजिक तार देते और करोल बाद प्रीमियम क्वालिटी स्टोर करोल बाग से हर बार शोकेस करता हूं आपको। स्कॉर्पियो एन आती बेस्ट मॉडल, जाती टॉप मॉडल है भाई। यहां पर ये रहा एक और वेरिएंट, कौन सा वेरिएंट है भाई? भैया ये Z6 वेरिएंट है। इसके अंदर क्या कुछ कर रहे हैं भाई? इसके अंदर बेसिक Z6 में जो भी काम होता सारा काम हमने किया, इसके अंदर अलॉय व्हील हो दिया, सीट कवर हो दिया, फ्रंट की बात करें हेडलाइट, ठीक है। और डीआरएल कंप्लीट होने वाला है, विंडो क्रोम, डोर वाइजर, रिवर्स कैमरा। तो देख लो भाई, एक गाड़ी है खड़ी हुई, दो तीन चार पांच, पांच गाड़ियां, पांच जा रही है, एक चली रही है, 6 स्कॉर्पियो है ना, 1 7 डबल लो है, ये रही है वाला पार्ट, दूसरी इसकी राम कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट, बस लाइट स्मोक करनी बाकी है, ठीक है। तो भाई टेल लाइट खुली हुई है, स्मोक करी जा रही है, Z2 वेरिएंट रहने वाला, जो मेन आज रहने वाला अपना इंटीरियर वाला वर्क जिसमें पूरा दिखाने वाला हूं, तो पूरा डैशबोर्ड वैशबोर्ड भी खोल दिया है,
पूरा कन्वर्ट कर रहे हैं सॉफ्ट टच के साथ, सॉफ्ट टच के साथ। ठीक है, एक वेरिएंट एरा कौन सा भाई है? ये भाई Z6 पे, ये भी Z6 है। फ्रंट में भाई इसमें कर रहे हैं कुछ? फ्रंट में अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, एलईडी करी जा रही है, सिर्फ एलईडी हुई है, बाकी अंदर काम हो रहा है, एम्बिएंट लाइट, पियानो। ठीक है, अंदर कर रहे हैं भाई। तो भाई डोर वोर खुला हुआ है, सीट ये भैया पहले लगवाया है, किस्तों में दाम दरवाते हैं, धीरे धीरे आते अपने हिसाब से दाम दरवाते हैं। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, मतलब वैल्यू चीजें मिल रही है, सस्ती चीजें मिल रही है, अभी भाई सब आ रहे हैं भाई। Z6 वेरिएंट ये भी रहने वाला, इसमें भी सारी दाम है, बेस्ट टू टॉप हो रही है ये भी। तो भाई इसलिए यहाँ से कराता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5 स्कॉर्पियन का लाइनअप मेरा ऑटोमेटिक कार्ड है। फाइनली भाई यहाँ पर अपने स्कॉर्पियन हो चुकी कंप्लीट, साथ में गितेश भी कंप्लीट हुआ सारा काम, कंप्लीट भाई सारा काम। ठीक है, आपको फुल आज थोड़ा काफी लाइनअप ज्यादा था, 1:30 बज रहा है, 1:30 बज रहा है भाई यहाँ पर। और देखो अभी भी स्कॉर्पियन Z2 खड़ी हुई है जो अपनी मेन रहने वाली थी, बाकी लाइनअप अच्छा खासा था, सब में क्वालिटी वर्क डील करके दिया पूरा भाई। अब इसमें बात कर लेंगे भाई, Z2 वेरिएंट तक कुछ नहीं आता, क्या कुछ चेंजेस करेगा इसके अंदर? हम सबसे पहले फ्रंट की बात करें, जेन्युइन DRL डाला है, कॉम्बिनेशन स्विच के साथ वर्किंग रहने वाला। ठीक है, पार्किंग देख लो, पार्किंग ऑन है, फॉग लाइट ऑफ है। देखो अंदर से अब अपनी यहाँ पर फॉग लाइट ऑन चुकी है, ऑफ करना भाई एक बार इसको, ऑफ भी हो चुके हैं, अंदर से जो स्विच होता है उससे ऑपरेट कर जाती है ना, उसके साथ एक्टिव हुआ है, सेम जो टॉप मॉडल में फील्स आती है। हेडलाइट की बात करें, 150 वॉट एलईडी डाला, हाई बीम लो बीम दोनों के अंदर। ठीक है, लो बीम ऑन करना है एक बार, ये अपना लो बीम और हाई बीम करना है एक बार। तो फ्रंट पे जब कितना ब्राइट सेटअप आपको मिलने वाला है, तो मतलब रात को दिन बना देगी चीज है ना। अब फ्रंट में बात कर लेंगे, यहाँ पर ग्रिल स्लॉट दिलीर 6 पीस ये आने वाली है अपना, और एक ऊपर था 7 पीस महिंद्रा जेन्युइन रहता है जो इसके अंदर अपग्रेड करेगा, रिप्लेसमेंट सिस्टम होता सारा। ठीक है, एक फ्रंट में दिखा दो, स्किड प्लेट अपग्रेड करी गई है, हाँ, 3 लेयर पेंट के साथ होता है ये अपना। ठीक है, ये पूरा ब्लैक फिनिश के अंदर आया था, रिप्लेसमेंट सीन के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है, जो अपने पास रेडी स्टॉक रखा होता है। ठीक है, साइड फेस में बात कर लेंगे, भैया ने इसके अंदर अलॉय व्हील्स लगवा रखे थे कंपनी से लगा हुआ है, इस बाइक को चाहिए 17-18 दोनों मिल जाएगा, दोनों अवेलेबल होता है। 17 का प्राइस 48,000 रुपए, 18 का प्राइस 55,000 रुपए। ठीक है, ऑटो फोल्डिंग मिरर अपग्रेड करे गए, बिल्कुल। ठीक है भाई, अंदर से फोल्ड हो चुके हैं, एडजस्टिंग भी मिलने वाला है, प्लस अपना फोल्डिंग स्क्रीन भी इसके अंदर मिल जाएगा आपको, दोनों मिलने वाला, प्लस आप चाबी के साथ भी कर सकते हो। ठीक है, कोडिंग अभी इसके लिए नहीं करी गई है इसके अंदर, वरना कोडिंग का ऑप्शन भी रहता है। फुटरेस्ट टॉप मॉडल वाला फुल ब्लैक, ठीक है, जो इसके अंदर नहीं आता ना, नहीं आता, जो कंपनी से आता। स्ट्रेंथ लेवल आपके सामने भाई, क्या कुछ स्ट्रेंथ लेवल मिल जाती है। साइड क्लैडिंग की बात कर ले भाई, 3 लेयर पेंट के साथ ये भी रहने वाला, 4 पीस सेटअप पड़ता है, 4,000 रुपए था अपना, अच्छी क्वालिटी में। हैंडल्स भी अपने पेंट करे गए, सेम बॉडी फिनिश, सेम बॉडी मैच करने, बॉडी के साथ मैच करेगा आपका। ठीक है, लोअर गार्निश रिप्लेसमेंट सीन के अंदर कन्वर्ट करा गया है, स्क्रू सिस्टम मिल जाएगा, अपग्रेड करा गया है इसके अंदर। डोर वाइजर गैलियो का रहने वाला, क्रोम लाइनिंग के साथ, स्कॉर्पियन की वेजिंग मिल जाएगी आपको यहाँ पे। प्लस ऊपर में बात कर ले, रूफ रेल नहीं आती इस वेरिएंट के अंदर, पूरा ड्रिल सिस्टम लगा, OEM फिटिंग से था। तो भाई क्वालिटी आपके सामने है, लीकेज इशू 1% नहीं मिलेगा, लाइफ टाइम की गारंटी इसका। तो ठीक है, बैक एंड में थोड़ा सा बात कर लेंगे, बैक में थोड़ा स्पॉइलर अपग्रेड करा गया, लुक एनहांस करने के लिए, स्पॉइलर बॉडी पेंट के साथ पूरा, क्योंकि Z2 में ना बहुत गंजी लगती है, स्पॉइलर के ये लगने के बाद पीछे का लुक पूरा आ जाता, और एक अपना डमी वाइपर रहने वाला है, बाकी वर्किंग का भी ऑप्शन रहता है, अभी के लिए डमी अपग्रेड करा गया। दूसरी रिवर्स कैमरा, बम्पर क्रोम 3 पीस में कंप्लीट, महिंद्रा जेन्युइन रिप्लेसमेंट सीन में रहेगा, ये ब्लैक पैड के अंदर पूरा रिप्लेस करा गया, स्किड बैक एंड की भी रिप्लेस करी गई है, साथ में अपना रिफ्लेक्टर लाइट मैट्रिक्स वाला, थोड़ा बैक लुक को और ज्यादा एनहांस करता है अपना यहाँ पर देखने के लिए। प्लस 4Xplore की ब्रांडिंग अपग्रेड करी गई है Z2 के अंदर। अब इंटीरियर में बात करेंगे भाई, क्या कुछ चेंजेस करेगा इंटीरियर के अंदर? इंटीरियर में डोर में सबसे पहले सॉफ्ट टच देखने को मिल जाएगा आपको, ठीक है, सेम OEM फिनिश के साथ, टॉप मॉडल फील्स आपको मिल रहे हैं डोर पैनल के ऊपर देखने के लिए, साथ में ग्लॉसी प्लेट, ठीक है, पियानो पूरा, ओके, ये पूरा पेंट सीन के अंदर है ना, डिप पेंट है ना, पेंट रहने वाला, इसमें तो टोड भी हमने पियानो ब्लैक किया है। ठीक है, इनर हैंडल्स भी डिप पेंट करेंगे, प्लस ग्रैब हैंडल्स भी अपना डिप पेंट सीन के अंदर, इसकी भी फिनिशिंग बहुत अच्छी है, 5 साल की गारंटी है पेंट का, कोई दिक्कत आता है। बाकी रिप्लेसमेंट सीन चाहिए वो भी मिल जाता, दोनों मिल जाता, साथ में एमएस लाइट K3 रहने वाला मल्टी कलर के साथ, एमएस लाइट के लुक आपके सामने, बाकी इसके अंदर मल्टीपल कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं ऑपरेट करने के लिए। साथ में स्कॉर्पियो इसका प्लेट अपग्रेड करी गई है, बिल्कुल, लाइट भी जिसको बोलते हैं, महिंद्रा जेन्युइन रहती है, फ्रंट अपने दो डोर्स के लिए मिल जाते हैं। नीचे अपने मैट्स Zotto के मिलने वाले हैं भाई, सेम इंटीरियर मैचिंग के साथ कन्वर्ट करेगा, एक प्रीमियम सेगमेंट मैट्स आपको सामने है, सीट कवर्स टॉप नॉच क्वालिटी, बिल्कुल H2A फिटिंग के साथ। ठीक है भाई, थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा, तो भाई यहाँ पर देख लो, क्वालिटी चेक आपके सामने है, क्वालिटी बहुत अच्छी मिले, सॉफ्ट कपड़ा मिलने वाला, पूरा टॉप मॉडल डिजाइन है जिसके अंदर अपग्रेड करा गया, कस्टमाइज ऑप्शन भी रहने वाला है इसका। अब भाई स्टीयरिंग पे चेंजेस की बात कर ले भाई, स्टीयरिंग अपना ऐसे आया था, हमने पियानो ब्लैक स्विच डाल दिया इसके अंदर, ठीक है, पियानो फिनिश के अंदर अपना स्टीयरिंग प्लस क्रूज कंट्रोल अपना वर्किंग मिल जाएगा आपको। यहाँ पर इसमें बात कर लेंगे, स्टीयरिंग OEM डिजाइन में रहने वाला, OEM फिटिंग के साथ, ठीक है, फिटमेंट आपके सामने टक टू टक मिल जाएगी। डैशबोर्ड पे चेंजेस क्या करेंगे भाई? अपना सॉफ्ट टच हुआ है, सॉफ्ट डबल स्टिच मिल जाता है OEM फिनिशिंग के साथ,
ठीक है, साथ में कॉर्नर टू कॉर्नर फिनिश आपको मिल जाएगा, साथ में सेंटर कंसोल देख लो, पियानो फिनिश के साथ स्टूडियो फ्रेम और प्लस सेंटर आर्मरेस्ट। ठीक है, ये वाला पार्ट पूरा ग्लॉसी फिनिश के अंदर आपको मिल जाएगा, साइड वाला पैनल भी अपना लेदर रैप हुआ है। ठीक है, तो पूरी यहाँ पर फिटमेंट आपके सामने है, सनग्लास होल्डर का भी ऑप्शन रहता है, आर्मरेस्ट सॉफ्ट टच करा गया। ठीक है, जितना भी सामान उतरा है Z2 के अंदर से तो वो कन्वर्ट कर दी गई अपने टॉप मॉडल के अंदर, सामान उतरा हुआ गाड़ी में पड़ा हुआ किसी यूज का नहीं रहने वाला। एक कैमरा अपग्रेड करा भाई दिखाना एक बार, तो कैमरे की भी क्वालिटी चेक करवाए थे भाई, तो भाई ये है आपके सामने Z2 की क्लियरिटी आपको मिल जाती है। बाकी इसके अंदर अपना एंड्रॉइड अपग्रेड कराना हो टॉप मॉडल वाला उसका ऑप्शन भी वो भी मिल जाएगा आपको, उसमें कैमरा क्वालिटी थोड़ा और अच्छा हो जाता है। ठीक है, अब इसमें बात है थोड़ा खर्चा भाई कितना है गितेश भाई, इसमें भैया 1.25 लाख रुपए का खर्चा, 1.25 लाख रुपए का खर्चा है इस गाड़ी के अंदर। तो ऐसा कुछ काम करना तो आना कहाँ पर है, ऑटोमेटिक कार डोर तरोलबाद नियर बाई सिटी हॉस्पिटल तरीम रेस्टोरेंट के साथ पड़ता है, पूसा रोड लेन पूसा 17 लेन बनने वाला। ठीक है भाई, यह है प्रीमियम क्वालिटी स्टोर, पिलर नंबर मेट्रो पिलर नंबर 92। ठीक है, स्क्रीन पे भाई नंबर है, डिटेल डाल दो सर डिस्क्रिप्शन के अंदर, रितेश भाई के पास फोन करो, हिमांशु के पास फोन करो, आओ अपनी Z2 लेके आओगे भाई, टॉप मॉडल बन के जाएगी अच्छी खासी क्वालिटी के अंदर। प्लस यहाँ पर एक बटन भी मिल चुका है ऑपरेट करने के लिए MS लाइट के अंदर, कलर चेंजिंग ऑप्शन भी इसके अंदर मिल चुका है, तो मल्टीपल मोड्स आपको मिल जाएंगे देखने के लिए। तो एक प्रीमियम क्वालिटी वर्क डील करना, एक प्रीमियम स्टोर आपके सामने भाई, ऑटोमेटिक कार डेकोर। बाकी इस वीडियो करते हैं यहीं पर एंड, स्कॉर्पियन की वीडियो चाहे चले जाना, पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहां पर आपको बेहतरीन वर्क दिखा रहा है। एक Z2 आती है बेस मॉडल ना, जितना भी आप काम कर रहे हो उसका सब कुछ शोकेस कर रहा है, सारा चीज मिल जाएगा आप तो, सारा सामान तब वीडियो भी डाला हुआ, रेट भी हमारा यूट्यूब पे सारा डाला हुआ। और भाई कस्टमर से हम आज रिव्यू नहीं ले पाएंगे, कस्टमर अपना थोड़ा आर्मी वर्मी से, तो उनको फेस रिवील नहीं कर सकते, तो बाकी कस्टमर की तरफ से थम्स अप है। बाकी आपको मेंशन करके बताना भाई कैसी आपको पूरी लुक लग रही है Z2 की।